Good afternoon, dear children. Have you studied meanings of chapter 7? Today we can look reading exercise. Everybody open textbook page number 29. Reading exercise. Ek Rajkumar tha. Vah maan baap ki aatnya maanta tha. Usne chandini mein ghoomne ka shauk tha. Ek Rajkumar tha. Rajkumar, prince. There was a prince. वह माम बाप की आज्ञा मानता था. माम बाप फादर एंड मदर, मदर एंड फादर. आज्ञा ऑर्डर, मानता, ओबे, रेस्पेक्ट, दैट इज द मीनिंग. ही ओबेड हिज पेरेंट्स. उसे चांदनी में घूमने का शौक था. उसे फॉर हिम चांदनी मूनलाइट. घूमना वांडर. शौक मीन्स हैबिट. ही हैड द हैबिट ऑफ walking in the moonlight, wandering in the moonlight. He usually walk in the moonlight. Ek din vah chandni raat ka aanand le raha tha. Ek din means one day. Vah chandni raat ka aanand le raha tha. Raat means night. Aanand le raha tha means enjoy, enjoy. Okay. One day he was enjoying the moonlight. One day he was enjoying the moonlight. इतने में उसे एक बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी. इतने में उसे एक बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी. एट दैट टाइम, इतने मीन एट दैट टाइम, ही हर्ड द साउंड ऑफ ए फ्लूट. आवाज़ मीन्स साउंड. एट दैट टाइम ही हर्ड द साउंड ऑफ ए फ्लूट. वह उस ओर बढ़ गया. वह उस ओर मीन्स साइड. He went to that side. वह कुछ समय तक यहाँ वहाँ भटकता रहा. वह कुछ समय मीन्स सम टाइम, तक मीन्स टिल, टिल सम टाइम. वट ही वॉज डूइंग, यहाँ वहाँ भटकता रहा. यहाँ वहाँ मीन्स हियर एंड देयर, भटकता, वांडर. ही वॉक्ड एंड सर्च्ड. ही वॉक्ड हियर एंड देयर. सम टाइम्स ही वॉक्ड हियर एंड देयर. फॉर वाट? For searching the flute. So he was searching the sound of the flute. अंध में वह एक गाँव में पहुंचा. अंध में means at last. वह एक गाँव, what is गाँव? Village. पहुंचा means reach. At last he reached in a village. He walked here and there and at last he reached in a village. सब सो रहे थे. सब मीन्स ऑल. सो, सोना मीन्स स्लीप. ऑल वर स्लीपिंग. एल्लारू उरंगिरुन्नु. राजकुमारने वहां एक कुआं देखा. राजकुमारने वहां, वहां मीन्स देर. कुआं वेल, किनर. प्रिंस सो ए वेल देर. ही सो ए वेल देर. बांसुरी की आवाज कुएं में आ रही थी. द साउंड ऑफ ए फ्लूट कमिंग फ्रॉम वर the well. The sound of the flute came from the well. उसने कुएं में देखा. देखा means look. He looked into the well. He looked into the well. कुआं खाली था. Well was empty. Empty means nothing is there. एक देवी पानी नहीं दी. There was no water. There was no water. There, it was an empty well. एक देवी बांसुरी बजा रही थी. एट दैट टाइम व्हाट ही सो, एक फेरी, एक देवी, ए फेरी वॉज प्लेइंग फ्लूट. ए हियर देर इज अ पिक्चर. ए फेरी वॉज प्लेइंग द फ्लूट. बजा रही थी मीन्स प्लेइंग. राजकुमार ने देवी से कहा. व्हाट इज दैट? राजकुमार सेड टू देवी. राजकुमार सेड टू फेरी दैट हे देवी, मुझे भी एक बांसुरी दो. हे देवी, ओ गॉड, ओ फेरी, मुझे भी एक बांसुरी दो. प्लीज गिव मी ऑल्सो ए फ्लूट. प्लीज गिव मी ऑल्सो ए फ्लूट. देवी उसके साहस को देख खुश हो गई. देवी उसके साहस, साहस मीन्स करेज, खुश मीन्स हैप्पी. सीइंग हिज करेज, फेरी बिकम हैप्पी, हैप्पी. Seeing his courage, fairy become happy. उसने
उसे एक बांसुरी दी. शी गेव हिम एक फ्लूट. शी गेव हिम ए फ्लूट. राजकुमार बांसुरी बजाता घर चला गया. राजकुमार बांसुरी बजाता. बजाता मीन्स प्ले. घर होम. चला गया मीन्स वेंट. ही वेंट टू होम बाय प्लेइंग फ्लूट. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रीडिंग एक्सरसाइज. यू कैन रीड द रीड दिस एक्सरसाइज 3 times. डिफिकल्ट द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स यू कैन राइट ऑन द टॉप ऑफ दैट वर्ड. Then it is easy for you to read. Okay. Study the meanings also. Thank you.